वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप बी एल द सीरीज एपिसोड 7 के स्पॉइलर के बारे में। तो पिछले एपिसोड के मुताबिक फात और फूत के बीच में नज़दीकी अब बढ़ने लगा है, जिस वजह से फूत फात को डिनर पर लेकर जाता है, जहां पर फूत फात से अपने पास्ट हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है और ये भी कहता है कि तब वो अपने फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं था, पर अब उसको पता है कि फात के बारे में वो क्या फील करता है। तो फूत के इन सब बातों को सुनकर फात इमोशनल हो जाता है और फूत को एक और चांस देने को मान जाता है। इधर जेंग भी फात को पसंद करता है, इसलिए हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स में वो फात की मदद करता है और हमेशा फात की ख्याल रखने की कोशिश करता है। फात को भी जेंग अच्छा लगने तो लगा है, पर शायद फात अभी भी जेंग को सिर्फ अपने बॉस ही समझता है, वरना वो फूत का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस एपिसोड के ट्रेलर में हम देखते हैं फूत फात के घर पर था और वह दोनों एक साथ बहुत सारी कपल मोमेंट बिताते हैं और बहुत क्लोज मोमेंट के क्लिप भी हम देखते हैं फूत और फात का, जहां पर फूत फात से पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फात के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद फूत को फात और भी ज्यादा पसंद आ गया होगा, इसलिए वो अब फात से अपनी रिलेशनशिप का कन्फर्मेशन चाहता है। पर शायद फात अभी फूत के कोई कन्फर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि फात फूत के प्रपोजल पर राजी तो हो गया था क्योंकि फात उसको पहले से पसंद करता था। फिर अगले दिन फात के ऑफिस का शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाता है, जहां पर फात को फूत से फ्रीली बात करते देखकर जेंग को बुरा फील होता है, पर इसकी वजह जेंग अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। फिर इसी दिन जेंग जैप को अपने छोटे भाई के रूप में सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है प्रोजेक्ट की वजह से, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेंग और जैप दोनों ही अलग अलग नेचर के हैं। फिर हम देखते हैं ऑफिस के सभी लोग फिर से उनके फ्रॉस्ट रिप्रेजेंटेटिव को लेकर नया लोकेशन देखते जाते हैं, जहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव जेंग से कहते हैं जेन ग्रुप क्या सोचता है इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या सोचकर जेन ग्रुप ने एक इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक ऐसे अनप्रोफेशनल बच्चे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। और इन सब इंसिडेंट से फात को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया था इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसीलिए फात रोते हुए वहां से चला जाता है। और फात को ऐसे बातें सुनते हुए देखकर जेंग को भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सिचुएशन को संभाल कर फात के पीछे जाता है उसको संभालने के लिए। तो जेंग फात के पास जाकर देखता है फात बहुत बुरी तरह से रो रहा है और फात को ऐसे रोते हुए देखकर जेंग को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए जेंग फात के संभालने की कोशिश करता है। तो फात भी अपने पास किसी भरोसेमंद इंसान को मतलब जेंग को पाकर जेंग के चेस्ट पर सर रख के रोने लगता है। फात को ऐसा करता देखकर जेंग को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, पर फिर भी वो फात को दिलासा देने के लिए उसको हग कर लेता है। और ये सब फूत देख लेता है पीछे से आकर, क्योंकि वो भी तो फात के पीछे आया था उसको संभालने के लिए। फिर हम देखते हैं जेन जैब से बात करने की कोशिश करता है, पर जैब अब जेन के लिए गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेन को किस करके उसने गलती कर दिया है, इसलिए वो जेन से कहता है उसको आमने सामने बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जेन उसको टेक्स्ट करके बात कर सकता है। ये कहकर जैब जेन के सामने से चला जाता है। तो जैब को ऐसे करता देखकर जेन को बहुत ही अजीब फील होता है। तो मुझे लगता है इस बार इन सब इंसिडेंट के चलते जेन जैब के लिए अपना फीलिंग्स का एहसास हो जाएगा। तो फिर देखते हैं सभी के रिलेशनशिप में कौन सा नया मोड़ आता है। ओके गाइस, इस स्पॉइलर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बीएल स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।